ये देखो ये गाड़ी मेरी है, सही है? ये मेरी गाड़ी है और ये आगे बैठे मालिक की जैसे और मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की जिंदगी। तो कैसे हो आप सब? तो आज हम जा रहे हैं कहीं, मतलब कहीं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूर। तो इसके लिए मैं बैठी हूँ यहाँ डिक्की में और ये देखिए डिक्की में बैठी हूँ। मेरे हस्बैंड आगे बैठेंगे इसलिए उनका सामान है गाड़ी में, तो सीट नहीं लगा है और जगह भी नहीं है, तो मुझे डिक्की में जगह करके बैठा दिए है। एक्चुअली डिक्की नहीं, यहाँ पे दूसरा सीट रहता है तो दूसरा सीट हटा दिया है। और जाते हैं टूर पे इसलिए यहाँ पे सीट हटा के फिर लेके जाते हैं, सीट घर पे पड़ा हुआ है। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं मैं कहाँ पे जा रही हूँ। एक्चुअली हमें कहीं जाना है, कोई कागज़ के, मतलब कोई कागज़ बनवानी है इसकी वजह से, तो इसीलिए तो ये टूर पे जा रहे हैं और मैं इनके साथ जा रही हूँ डिक्की में बैठ के। आते समय मैं किसी बस वगैरह से आ जाऊँगी। और अभी हम लोग दूसरी दुकान पे आ चुके हैं बाईपास, और मैं डिक्की में ही बैठी हूँ, मुझे वो निकाले नहीं है। और वो वहाँ यहाँ से कुछ सामान और डालना है तो वो डाल रहे हैं, कोई और सामान जैसे टूर लेके जाते हैं गाँव, तो उसलिए। हेलो दोस्तों, देखो मेरे हस्बैंड इतना बदमाश है, मेरे को कहाँ बिठा दिया है। वो गांव जा रही है, देखो इधर पूरा डिक्की में बिठा दिया मेरे को और खुद आगे बैठा है मालिक के जैसे। ये देखो ये गाड़ी मेरी है, ये मेरी गाड़ी है और ये आगे बैठे मालिक के जैसे और मैं, मुझे डिक्की में बिठा दिए। बताओ कि भगवान, ऐसा पति मिला है मुझे। और हंस रहा है, आज से हम भी जाएंगे वही टूर पे। ये मुझे पैसे नहीं देते तो इसलिए टूर करना चालू कर दिया। हाँ, सोच रही हूँ मैं ही करूँ अब आधा आधा। हाँ, तो हम रास्ते पे जा रहे थे तो ये रेलवे लाइन आई थी और उसके ऊपर ब्रिज बना था, तो इसको क्रॉस कर रहे थे तो मैंने इसका भी वीडियो बना लिया। और ज़्यादा दूर नहीं है घर, 10 किलोमीटर है। एक्चुअली ज़्यादा था तो मैं कुछ दूर पार हो चुकी हूँ, तो अभी 10 किलोमीटर बचा हुआ है। तो ये देखिए ये हमारा गाँव है, आपको दिखाऊँ तो घर पे आने के बाद मेरा पार्सल आया हुआ था फ्लिपकार्ट से। मैंने पार्सल मतलब कुछ मंगाया था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हर किसी को के लिए, जो भी वीडियो बनाते हैं उसके लिए। तो मैं बहुत दिन से ये सोच रही थी मंगाने का, तो फाइनली मैंने आज मंगा लिया। वैसे तो उतना ज़रूरी नहीं था लेकिन एक्चुअली मैं बाहर वीडियो बनाती हूँ मेन गेट पर, तो सब जाते आते रहते तो देखते रहते तो अच्छा नहीं लगता, वो छेड़ते रहते कुछ कुछ बोलते रहते। इसकी वजह से ये वाला मैंने ऑर्डर किया था, ये रिंग लाइट है तो इसकी वजह से मैंने ये ऑर्डर किया था। अब मैं रूम में ही जैसे वीडियो बना लूँ अच्छा नहीं लगता, इस तरह लोग टोकते रहते हर बातों पर। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है, अब इसको सेट करना है, जो कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था इसको कैसे सेट करूं। फिर मैं वापस एक वीडियो देख के फिर जाके मैंने इसको सेट किया था, इसको उल्टा पुल्टा लगा दी थी, नहीं समझ आ रहा था कि कहां से क्या सेट करना है। इसलिए ज़्यादा बड़ा वाला नहीं है, छोटा वाला ही मंगाई हूँ फ़िलहाल, कभी फ्यूचर में मंगाऊँगी बड़ा वाला, अभी तो छोटे वाले से काम चलाऊँ। तो फिर ये देखिए ये मैंने पूरे ओपन कर लिया है
और अब इसमें जो ये पार्ट पुर्जा है इसको सेट करना है, तो इसको मैं वीडियो देख के फिर उसके बाद सेट करूँगी। तो देखिए ये मैंने अब सेट कर लिया है बहुत मुश्किल से, क्योंकि पहले बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, तो इसीलिए। तो चलिए अब हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो अब आ चुकी हूँ किचन में, और तो ये गाजर पहले से ही छील के और धो के मम्मी ने रख दिया था, तो मैंने बस इसको बनाया है। तो अभी इसको मैं कट कर लेती हूँ फटाफट से चाकू से। तो हमेशा हम लोग कद्दूकस करके फिर बनाते हैं, आज मैं पहली बार सबको देख रही हूँ कि कुकर में बना रहे, तो हम भी आज कुकर में ट्राई करेंगे। और उसके बाद ये बहुत टेस्टी भी बनी थी कुकर में भी। तो देखिए इस तरीके से सारे गाजर को हम फटाफट से कट कर लेंगे। और ये 2 किलो गाजर था, तो इसको मैं फटाफट से कट कर चुकी हूँ। अब हम गैस पे कुकर चढ़ा दिए हैं और जल्दी जल्दी से इसमें हम घी डाल लेते हैं। तो हमारे घर में कोई भी चीज़ हो पहले घी चाहिए, घी ज़्यादा डलता है हर चीज़ में। घी अगर थोड़ा भी कम हो गया तो किसी को पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डाला था, और उसके बाद सारे जितने गाजर मैंने कट किए थे इसमें डाल रही हूँ गाजर को। तो यहाँ पे उसके बाद हम गाजर को जो ऐसे मिला देंगे चम्मच से, उसमें पूरा घी जैसे डाला है उसमें फ्राई करने के जैसे मिला देंगे। तो उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो मैंने उसमें दूध डाल के मैंने ढक्कन लगा दिया था, वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया है। और यहाँ पे मैं कुछ कुछ कर रही थी काम, और सीटी आने का वेट कर रही थी कुकर का। तो कुकर की सीटी आ चुकी है, उसके बाद मैं इस तरीके से मैश कर लूँगी। तो देखिए मैंने इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूध थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था दूध, क्योंकि मैं पहली बार कुकर में बना रही हूँ खुद ही, तो दूध मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया था। और उसके बाद ये है पेड़ा, मतलब मावा का है पेड़ा, तो ऐसे तो मावा डालते हैं। तो ये पड़ा हुआ था घर पे, तो फिर मैंने इसका यूज किया इस बार। मैं बोली कि इसको डाल के देखते हैं कैसा बनता है, तो इस अच्छा बना था इससे। इसको मैंने छोटे छोटे बारीक इस तरीके से कर दी थी हाथ से पूरा। और उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने घी डाला था, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। और जो भी गाजर को हमने किया था वो सारे गाजर हम इस कढ़ाई में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। आपको देख सकते हैं दूध थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, अगर है हम कढ़ाई में डायरेक्ट डालते तो उसमें दूध इतना ही लगता है, लेकिन मैंने जैसे कुकर में बनाया तो कुकर में इतना दूध नहीं चाहिए, 1 गिलास दूध से हो जाता, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था। तो अब इसको हमें इसको सुखा रही थी, इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा दूध को सुखा रही थी। तो देखिए सारे गाजर को अच्छे तरीके से मैंने इसमें डाल दिया, अब इसको सुखा रही थी। और उसके बाद इसमें जो मैंने मावा कसा था उस मावे को इसमें डाल दिए है। तो ये मावा मीठा है इसलिए तो थोड़ा सा चीनी इसमें कम पड़ेगा, क्योंकि मावा ऑलरेडी मीठा है तो फिर ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो इसलिए फिर अब मैंने मावा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर इसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो मेरी कुकू को बहुत पसंद है गाजर का हलवा वैसे, लेकिन मैंने इसमें काजू डाल दिया था तो उसको गुस्सा आ रहा था। तो ये देखिए मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया है, तो कुकू को मतलब पसंद नहीं है। बाद में मैंने ड्राई फ्रूट डाली थी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये बिल्कुल तैयार है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।